गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं शाम को ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। रीज़न बीइंग, आज है 4 जुलाई। आज ही के दिन 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी ग्रेट ब्रिटेन से। तो आज के दिन क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है सुबह होती है परेड और शाम को होते हैं बहुत सारे फायरवर्क्स। तो आज हम जा रहे हैं फायरवर्क्स देखने और छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगे। और एक मिनट फिलहाल तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, हेलो, मेरा नाम है सुमन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल स्टक। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की शाम में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, रंग बिरंगे आपको फायरवर्क्स दिखने वाले हैं और अच्छा लगे ना। तो फटाफट से आ जाइए हमारे लेफ्ट में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं ओवल में, जिस जहां हम आपको पहले भी लेकर गए थे, और ओवल वही जगह है जहां पे हमने आपको दिवाली के टाइम पे फायरवर्क्स दिखाए थे। बट इस बार के फायरवर्क्स थोड़े से अलग होने वाले हैं, मे बी उससे अच्छे हों, बट यहां आपको इस समय ज़्यादा इंडियंस नहीं, ज़्यादा अमेरिकन दिखने वाले हैं। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? चलें, कम अलॉन्ग। हमें पार्क में ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया और यहाँ पे फायरवर्क्स शुरू हो चुका है। तो आप करो एंजॉय, मैं आपसे मिलती थोड़ी देर में। फिलहाल तो हमें यहीं से खड़े होकर अभी फायरवर्क्स देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहीं पे चेयर्स लगा दी है, लगता है आगे जगह ही नहीं है। तो हम यहीं पे खड़े हैं, मुझे नहीं लगता इससे आगे हम जा सकते हैं क्योंकि आगे जो है ना वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो यहीं पे खड़े होके सभी लोगों ने अपनी चेयर्स लगा ली है एंड देर एन्जॉइंग, एंड यू गाइज ऑल्सो जस्ट लुक एट द स्काईज, इट इज़ फिल्ड विद कलरफुल स्पार्कल्स, लुकिंग ब्यूटिफुल। बट जितना क्राउड हमारे दिवाली के टाइम पे था ना, उतना नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली घर में तो हम ये सब कर नहीं सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन कम वंस और ट्वाइस अ ईयर टू एन्जॉय ऑल दिस। ओ वाओ, हाँ वहाँ पे, बट वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं, सभी लोग यहीं पे खड़े हैं। बट दिवाली वाला जो क्राउड था उसका मज़ा अलग ही था, मतलब सारे इंडियंस वहीं पे गैदर्ड थे और मिठाइयाँ बट रही थी। सैन फ्रांसिस्को में थे ना? हाँ, पिछली बार जो हमने देखे थे वो देखे थे सैन फ्रांसिस्को में, पर उनकी तो बात ही अलग थी। आई थिंक इट इज ऑन द अदर साइड नाउ। गाइस इतना सुंदर लग रहा है ना, और मुझे लगा आज ना क्योंकि इनका इंडिपेंडेंस डे है तो बहुत सारे अमेरिकन्स हमें यहाँ पे दिखेंगे, बट अमेरिकन्स कम और इंडियंस ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है कि हमारी दूसरी दिवाली हो रही है और ऑल दीज फायर क्रैकर्स एंड फायर वर्क रियली लुकिंग अमेजिंग अमेजिंग। मतलब हमने साल में दूसरी बार दिवाली मना ली और बहुत अच्छा लग रहा है। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड पे कैसा दिख रहा है। वाओ वाओ, रेड ग्रीन एम्बर, और आप नीचे देखो सिर्फ इंडियंस ही इंडियंस हैं, अमेरिकन्स तो मतलब कोई गिने चुने दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे चल रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो, ओ वाह, मस्त मस्त मस्त। लगता है सारे इकट्ठे चला दिए। अमेजिंग यार, पूरा आसमान लाल और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एम्बर कलर का हो गया है। अरे वाह, अरे वाह, ग्रेट। And this is the final one, I guess. बहुत मज़ा आया, और मतलब दिवाली के बाद आज हमें इतने सारे जो है ना क्रैकर्स और फायरवर्क देखने को मिला। इट वॉज़ रियली सुपर्ब,
बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि हमने दूसरी बार दिवाली मना ली है। आई होप आपको भी फायर वर्क देख के बहुत मज़ा आया होगा। पर हमें बहुत पास नहीं जाने दिया जैसे पिछली बार था, और पिछली बार तो इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, बट इस बार इतनी गैदरिंग नहीं थी, बट हमें बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी छोटा सा ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा। तो गाइज मेरे पीछे आप देखो कितनी सारी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ हैं और पुलिस भी है, एंड देयर जॉब इज़ टू बेसिकली अरेंज एवरीथिंग। और हमें तो छोटे से फायर वर्क को देख के बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी हमारा ब्लॉग देख के बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आए ना। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वाह वाह वाह।